आप सब खैरियत से होंगे और अपने प्यारों का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चरगा और बनाने में बहुत ही आसान। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इंग्रेडिएंट्स हमें सबसे चाहिए वो आप देख लीजिए। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है जिसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है पाउडर। काली मिर्च 1 टीस्पून, हरी मिर्च है ये भी ग्राइंड कर लिए है ये भी 1 टेबल स्पून है, गार्लिक है 1 टेबल स्पून। इसके अलावा मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, पाउडर लाल मिर्च और नमक। ये स्पाइसेस चरगा में थोड़े से तेज़ होते हैं, थोड़े तेज़ अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी आप इनको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 अंडा, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और ये 2 लेमन का रस है जिसको मैंने निकाल लिया है। इसके अलावा ये चरगा है, चिकन है जिसको मैंने इस तरह से कट लगा दिए हैं ताकि डीपली इसके अंदर सारा अच्छी तरह से जो है वो मसाला चला जाए। तो पहले हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। अब सबसे पहले लहसुन, हरी मिर्च, ब्लैक पेपर है, काले मिर्च पीसी हुई, इनको हम मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 जाएगा नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ये 1 टेबल स्पून है, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और पाउडर चिली। अब मैं ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च इसको मसाले को स्टिक करने के लिए जो है वो हेल्प आउट करता है। मसाला बहुत ज़्यादा आपका लिक्विडी नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर स्टिक करेगा। और डालेंगे हम अंडा, में थोड़ा सा पहले देख लूँ मसाला और कितना गाढ़ा है और फिर हम डालेंगे। तो देखिए ना, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मसाले की, बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए ताकि ये चिकन के ऊपर जो है वो इजीली स्टिक हो जाए। बाकी का अंडा भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको लगाएंगे चिकन के ऊपर। मैरिनेशन हमारी तैयार हो गई है और चिकन पे लगाकर इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है आप ओवरनाइट भी इसको लगाकर रख सकते हैं। अब हम मैरिनेशन चिकन को लगाएंगे। अच्छे से ये चिकन को लगा कर इसके अंदर तक, तो इसको कुछ
घंटों के लिए मैक्सिमम इसको आप ओवरनाइट छोड़ दें तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं तो फिर आप इसको कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में रख दें ताकि सारे मसाले जो हैं वो इसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो इस वक्त बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको स्टीम करेंगे सबसे पहले, और स्टीम करने के लिए पानी मैंने डाला है पतीले में, अगर आपके पास स्टीमर नहीं भी हो। पानी में डाल रही हूँ मैं ये एक बड़ा तेज पात का पत्ता और एक बादियान का फूल और ये बड़ी इलायची, इससे ज़रा इसका अरोमा जो है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। अब इसमें मैं रख रही हूँ एक, ये मेरे पास जाली पड़ी हुई थी स्टैंड के तौर पे, इसको मैं इसमें रख रही हूँ। इस पर कोई भी आप अपना ये चावल जिसमें स्टेन न है ये रख सकते हैं। और इसमें हम रखेंगे एल्युमिनियम फॉयल, इसके सैंडविच में रख रही हूँ मैं एक एल्युमिनियम फॉयल जिसमें मैंने थोड़े से ये नाइफ के साथ होल बना लिए ताकि इसके ऊपर आराम से हम चिकन रख सकें। अब मैं रख दूँगी इसमें चिकन जो हम लोगों ने मैरिनेट करके रखा था, इस तरह से सारा मसाला भी इसके ऊपर ही मैं डाल देती हूँ जो था, और अब हम इसको कवर कर देंगे। इसको मैं कवर कर, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो गया है, ये आप देख रहे हैं इसका रिज़ल्ट। अब हम इसको फ्राई करेंगे, इसको उठाकर तो मैं इसको फ्राई करूँगी। इसको आप फ्राई करेंगे दोनों तरफ से, अच्छा थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बनके ये आप देख रहे हैं जगह कितना अच्छा तैयार हो गया है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन।